Hello student, today we see the counter instructions in PLC, okay? In today's lecture, we only see the introductory part of counter instructions, okay? So see, the first, it is the counter instruction. The first point is, as the name indicates, counter instructions is used to count the events or number of atoms producing industries, number of industries or number of operation perform. Okay, ये जो counter instruction है इसके नाम में ही क्या दिया है, किसके लिए हम यूज करते हैं, for counting the events or number of atoms produced industries or number of operation perform. Okay, अभी जो PLC counter है are similar to that of PLC timers, except timer operates on internal clock and counter operates on external clock. Okay, अभी ये internal clock और external clock क्या है वो हम कुछ lecture में देखेंगे आगे के. Okay, अभी सिर्फ यही पे ध्यान में रखो कि ये timer जो instruction है वो सिर्फ internal clock के ऊपर operate होता है और counter instruction जो है वो external clock के ऊपर operate होता है. Okay, third point देखो, programming format of counter is similar to that of timer. Okay, जो भी programming format है counter का वो timer से similar है, timer instruction से. Counter can count the events or operation in ascending or descending order. Okay, जो counter क्या होता है, आपका जो operation है, counter क्या करता है, can count the events or operation in ascending or descending order में वो count करेगा. ओके, उसको ही हम लोग बोलेंगे अप एंड डाउन काउंटर. ओके, सो सी द नेक्स्ट, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ काउंटिंग. काउंटर्स आर टू टाइप्स. फर्स्ट इट इज अप काउंटर और काउंट अप, दैट इज इंडिकेटेड एज अ CTU. और सेकेंड है इट इज डाउन काउंटर्स और काउंट डाउन, इट इज इंडिकेटेड एज अ CTD. ओके, बोथ द काउंटर्स आर रिटेंटिव टाइप एंड रिसेट पल्स इज यूज टू रिसेट द काउंटर. ओके, यहाँ पे जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, पल्स को रिसेट करने के लिए रिसेट पल्स भी यूज कर सकते हैं. रिसेट पल्स इज यूज फॉर अ रिसेट काउंटर, मीन काउंटर को अगर रिसेट करना है तो आप रिसेट पल्स भी यूज कर सकते हो. ओके, अभी काउंटर कंट्रोल वर्ड्स देखो क्या है इसमें. दो फर्स्ट वर्ड ज़ीरो है, वो क्या है, इट इज़ यूज फॉर 15, इज़ यूज फॉर, ये हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं अभी. ओके, यहाँ पे अभी 70 क्या है, इट इज़ द इंटरनल यूज. ओके, वर्ड फर्स्ट, वर्ड फर्स्ट क्या है, इट इज़ द प्रीसेट वैल्यू, इट इज़ इंडिकेटेड एज अ PRE. ओके, एंड द वर्ड टू, इट इज़ इंडिकेटेड एज अ एक्यूमुलेटर वैल्यू, दैट इज इंडिकेटेड एज ACC. ओके, देन फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या है, जैसे कि हम लोगों ने टाइमर इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखा था उसी तरह काउंटर इंस्ट्रक्शन का भी फॉर्मेट होता है. C क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द काउंटर फाइल. F क्या इंडिकेट करता है, फाइल नंबर्स, टिपिकली वैल्यू 5. दो डॉट्स क्या इंडिकेट करेंगे, एलिमेंट डिलिमीटर. E क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट नंबर, टिपिकल वैल्यू 0 to 39. डॉट क्या इंडिकेट करेगा, वर्ड डिलिमीटर. यहाँ पे S क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज सब एलिमेंट. नेक्स्ट जो स्लैश है वो क्या इंडिकेट करेगी, बीट डिलिमीटर. और जो B है लास्ट में वो क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज द बीट. ओके, ये हो गया आपका काउंटर इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट. ओके, अभी नेक्स्ट जो है आपको ये जो बीट्स है, ये जो वर्ड्स है, ये क्या है, CU CD DN OV UN. ओके, ये सब हम लोग अभी काउंटर कंट्रोल वर्ड देखने वाले हैं. सो सी द स्टेटस बीट्स ऑफ काउंटर. स्टेटस बीट्स, तो फर्स्ट जैसे कि मैंने अभी बताया क्या है, CU, दैट इज काउंट अप अनेबल बीट. सेकेंड CD, काउंट डाउन अनेबल बीट. ओके, थर्ड है काउंट अप स्लैश डाउन
done, beat, that is DN. Fourth, that is the count up, overflow, beat, that is OV. And fifth, last one is the count down, underflow, beat, that is the UN. Okay, so see one by one. The first one it is, that is the CU, count up, enable, beat. CU is the count up beat. It is the 15th beat of first word from counter control word. Okay, अभी हम लोगों ने counter control word देखा, उसमें क्या है, वो 15th beat है. Okay, 15 number का beat है. This beat is said to 1 or true when ruck condition is true, up counter is enabled. Okay, अगर ये beat अगर 1 रहा, 1 means it is true, और जब ruck condition means check condition अपनी true रहेगी, तब up counter क्या हो गया, enabled होगा. Okay, it is set to 0 or false when ruck condition is goes false, the up counter is reset. Okay, means 1 होगा तो up counter enable होगा, और 0 होगा तो क्या होगा, आपका up counter reset हो जाएगा. Okay, so next that is second, that is the countdown enable bit. See, CD is a countdown bit, 14th bit of first word, word 0 from counter control word. This bit set to 1 or true when ruck condition is true, then down counter is enabled. Exact opposite है इसका, यहाँ पे up counter का था, यहाँ पे क्या होगा, down counter का होगा, क्योंकि ये किस लिए यूज करेगा, count down enable bit के लिए. Okay, और 0 रहेगा तो क्या होगा, आपका down counter क्या होगा, reset होगा. Okay, so exact opposite है ये दोनों. Next देखो, that is the third, that is count up slash down done bit. तो DN is up slash down bit. It is the 13th bit. 13th bit of the first word from the counter control word. When accumulator value becomes equal or greater than the preset value, then this bit is set to 1. ये bit कब 1 होगा? जब accumulator वैल्यू क्या होगी, इक्वल और ग्रेटर देन द प्रीसेट वैल्यू रहेगी, तभी ये बिट क्या होगा, 1 होगा. काउंट ऑपरेशन इज कंप्लीट, इट रिमेंस सेट अनटिल द काउंटर इज नॉट सेट. ओके, इट इज सेट टू 0 फॉल्स व्हेन काउंटर इज रीसेट. मींस ये 0 होगा तो क्या होगा, आपका काउंटर रीसेट हो जाएगा. फोर्थ देखो क्या है, काउंट अप ओवरफ्लो बिट. It is the 12th bit of the first word from the counter control word. If this bit has a 1, indicates that the up counter counting exceeds the upper limit, that is plus 32767, and the accumulated value exceeds the upper limit again plus 32767. ओके, मीन्स ये अगर 1 रहा तो क्या इंडिकेट करेगा, जो भी आपका काउंटर है वो एक्सीड हो रहा है आपके अपर लिमिट से, दैट इज़ दिस. एंड अगेन आपका एक्यूमुलेटर वैल्यू भी क्या हो रहा है, एक्सीड्स हो रहा है अपर लिमिट से. ओके, द डेटा इज़ रैप्ड अराउंड टू -32767. द प्रोसेसर देन स्टोर्स द वैल्यू बैकवर्ड. ओके, अगर ये माइनस में चला गया तो क्या करेगा प्रोसेसर, वो बैकवर्ड में वो स्टोर्ड करेगा, स्टोर्स द वैल्यू बैकवर्ड. ओके, फिफ्थ है काउंटडाउन अंडरफ्लो बिट. इट इज़ द 11th बिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द काउंटर कंट्रोल वर्ड. इफ इट इज इफ दिस बिट हैज़ 1 वैल्यू, इंडिकेट्स द डाउन काउंटर काउंटिंग एक्सीड लोअर लिमिट, एंड when this limit is reached, the count value wrap around the plus 32767 and down counter decrements from there. Okay, इधर यहाँ पे क्या होगा, ये value अगर 1 है तो क्या indicate करेगी, जो भी counter है वो आपका exceeds होगा lower limit से minus 32767, and ये limit कब reach होगी, जब द काउंटर वैल्यू रैप, जो भी काउंटर वैल्यू है वो आपकी अराउंड ये वैल्यू होगी, और तब डाउन काउंटर क्या होगा, डिक्रीमेंट
होगा। ओके तो ये सब हो गया अभी स्टेटस बीट का, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन स्टेटस बीट्स ऑफ काउंटर। सो थैंक यू।